वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हेलो गाइस, मैं लैशी पार्लर से आई हूँ कटिंग कराने। कैसी कटिंग करवानी है आपने? अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की इस वीडियो में जी हमारे पास हैं एक छोटी सी क्यूट सी मॉडल, जिनकी डिमांड पर हम उनका बॉब हेयर कट करने वाले हैं। जैसा कि आपने स्टार्ट में ही सुना कि वो चाहती हैं कि उनका बॉब हेयर कट हो, जो कि बैक से जो है वो शॉर्ट लेंथ होती है, फ्रंट से लॉन्ग लेंथ होती है। सो डिपेंड करता है कि आप जो है वो स्ट्रेट बॉब करना चाह रहे हो या फिर इस टाइप का बॉब करना चाह रहे हो। सो हम करने वाले हैं बैक से शॉर्ट, फ्रंट से लॉन्ग। इसको करने का मेथड ये होता है कि आपने पहले सेंटर से एक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बालों को कट करना है, और साइड से आपने जो है ना उसको डीप रखना है। मतलब आपने एक साइड वाली लेंथ जो है वो लंबी रखनी है, दूसरी साइड वाली लेंथ जो है ना वो शॉर्ट रखनी है। इससे ये होगा कि आपके जो फ्रंट वाले बाल हैं ना वो लॉन्ग होंगे लेंथ में, बैक वाले जो आपके बाल हैं वो शॉर्ट होंगे। और इसके लिए आपको बहुत छोटे छोटे जो है वो सेक्शनिंग के साथ काम करना होगा। जितनी बारीक सेक्शनिंग आप लोगे उतना ही ज़्यादा नीट जो है वो आप कटिंग कर पाओगे। और ये कटिंग जो है ना ये आजकल टीनेज गर्ल्स बहुत ज़्यादा करवा रही हैं। आपने देखा होगा कि आजकल शॉर्ट हेयर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो आ चुका हुआ है। जैसा कि हमारी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो कि जो है वो इस हेयर कट को करवा रहे हैं, जिनमें अलीज़े शाह है, निम्रा खान है। अगर आप बहुत अच्छी सी कटिंग जो है वो करना चाहते हो, बहुत नीट कटिंग करना चाहते हो, तो आप बालों को फ्रेश वॉश करवा लो और उन फ्रेश वॉश बालों पर जो है ना वो आप कटिंग करो। मतलब आप ड्राई बालों को गीला करके जब उसके ऊपर कटिंग करते हो ना, तो वो मज़ा नहीं आता कटिंग करने का, जो कि फ्रेश वॉश बालों के ऊपर जो है वो कटिंग करने का मज़ा आता है। और लुक भी बहुत अच्छी आती है, कटिंग भी बहुत नीट होती है उसके साथ। बैक पर बालों को ले जाके अच्छे से कटिंग करने के बाद आपने फ्रंट पे जो है वो इस तरह से बालों को थोड़ा थोड़ा करके पकड़ना है, फिर इनको जो है वो नीट करना है। जैसा कि आपको पता है कि बालों को चारों साइड पर घुमा कर जो है वो चेक करना होता है कि कहीं से एक्स्ट्रा बाल तो नहीं निकला हुआ, या कहीं से ऐसा तो नहीं है कि लाइन जो है वो सीधी ना बनी हो। तो इस वजह से आपने प्रॉपर जो है ना चारों तरफ से बार बार बालों को चेक करना होता है कि कटिंग जो है ना वो बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। उसके बाद फ्रंट पे हम सेंटर मांग जो है वो निकालेंगे और दोनों साइड्स पर बाल करके फिर दोनों साइड से चेक करेंगे कि कहीं पर एक्स्ट्रा बाल तो नहीं है। उसके बाद जी हमारी जो मॉडल है ना ये काफ़ी छोटी हैं, तो इस वजह से इनकी मदर का कहना था कि फ्रंट पर जो कटिंग है ना वो बेबी कट कर दें ताकि डिस्टर्ब ना करे बच्चों को। जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने स्कूल जाना होता है, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना इतने लंबे बाल फेस पर गिरे हुए अच्छे नहीं लगते, डिस्टर्ब करते हैं वो बच्चों को। तो इस वजह से ज़्यादातर जो मदर्स होती हैं ना वो बेबी कट करवा लेती हैं। हेलो गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा हेयर कट। आप भी जरूर आना, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, कमेंट करें। हाँ, कमेंट करें दोबारा। बाय।